आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऑडियो। इस ऑडियो को सुनकर चौंकिएगा मत, और इस ऑडियो में कुछ गंदी गंदी अश्लील गालियां भी बकी गई हैं किन्नरों के द्वारा एक दूसरे को। उस ऑडियो को हमने बीप के द्वारा साइलेंट कर दिया है। ये ऑडियो कुछ समय पहले की है, लेकिन इस तरह की कई और ऑडियो और वीडियो हमारे चैनल के पास सुरक्षित हैं, ताकि आपके जानकारी प्राप्त करने के हितों की रक्षा की जा सके। पटियाला में एक तरफ पूरा प्रशासन और पुलिस कोविड 19 की महामारी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लालची किस्म के किन्नरों ने पटियाला में प्रशासन के कोविड 19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तांडव मचा रखा है। पटियाला में किन्नरों के कंजरखाने ने शांति प्रिया शाही शहर को कुरुक्षेत्र बना दिया है। पटियाला किन्नरों के कई भागों में बटा हुआ है, क्योंकि आम जनता पर दबाव बनाकर कुछ नकली किन्नर लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। पटियाला में एक डेरे को करोड़ों रुपए में बेच दिए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बारे में हमारे चैनल के पास वीडियो प्रमाण भी मौजूद है। अब फिर पटियाला में कुछ नकली किन्नर लोगों को धमकाकर बधाई के रूप में पैसे ऐंठने के लिए ग्रुप बनाकर काम करने लगे हैं, और एक दूसरे का सर फोड़ने पर उतारू हो गए। पटियाला में किन्नरों का वाद विवाद कोई नई बात नहीं है। पटियाला में ऐसे असंख्य मामले हुए हैं जब प्रशासन के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई हो, जब पटियाला का अमन चैन खतरे में पड़ गया। लिंग कटवाकर हार्मोन थेरेपी और सिलिकॉन ट्रीटमेंट से लड़कों से ट्रांसजेंडर बने इन लोगों का पूरा सच जल्द ही हमारे दर्शकों के सामने सबूत समेत पेश किया जाएगा। पटियाला की आम जनता की मांग है कि सभी नकली किन्नरों का मेडिकल करवाकर उनके जबरदस्ती बधाई मांगने पर बैन लगाया जाए, ताकि पटियाला में कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। पटियाला के शांति प्रिय लोग कुछ संस्थाओं की मदद से जल्द ही माननीय अदालतों में भी वाद दायर कर रहे हैं, ताकि इस तरह के नकली केंद्रों से लोगों को बचाया जा सके। देखते रहिए हमारा चैनल अगली विस्तृत रिपोर्ट के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। बोलो जी।